नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। NTPC लिमिटेड की बात करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। दोस्तों स्टॉक प्राइस में एक अच्छी तेजी बनी है, अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है और NTPC लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और कितनी तेज़ी आ सकती है स्टॉक प्राइस में। पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, PSU कंपनी है और डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। तो फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं इस वीडियो में और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना टारगेट भी बताया, तो इन पॉइंट्स की बात इस वीडियो में करते हैं। तो आपके पास अगर NTPC का स्टॉक है तो अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, एक तेज़ी बनी है, जबकि शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव बना हुआ है, मुनाफा वसूली आ रही है। जुलाई के महीने में NTPC स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 135-140 के आसपास आया था, वहां से बढ़कर 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, तो जून के क्वार्टर में जो सेल्स था NTPC का Q1 FY 2023 में 43,177 करोड़ का सेल्स था। दोस्तों सेल्स बढ़ के आया था, पिछले साल 29,888 करोड़ का था, तो बढ़कर 43,177 करोड़ पहुंचा है। और मार्च के क्वार्टर के हिसाब से भी सेल्स बढ़ा था, मार्च के क्वार्टर में मार्च 2022 में 37,085 करोड़ का सेल्स था। तो जून के क्वार्टर में, जून 2022 के क्वार्टर में 43,177 करोड़ का सेल्स है। दोस्तों प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,711 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो जून का क्वार्टर था उसमें 3,711 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। एक साल के अनुसार देखते हैं तो नेट प्रॉफिट बढ़ा था, 3,241 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले बढ़कर, तो प्रॉफिट देखिए 3,711 करोड़ का प्रॉफिट है NTPC का। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है 51.10% की है जून 2022 तक। और FIIs और DIIs की बात करते हैं तो 14% की होल्डिंग है FIIs की और DIIs की जो होल्डिंग है 31.49% की है। तो FIIs और DIIs की होल्डिंग भी अच्छी खासी है NTPC में। और इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों, इस वक्त 7 सितंबर 2022 तक जो मार्केट कैप है वो है 1,62,225 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 143 का है, तो पर शेयर है 17.14 का है, तो डिविडेंड यील्ड 4.18 का है, तो डिविडेंड भी एक तरह से ठीक ठाक मिल जाता है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 साल का रिटर्न 31% का है, 31.73% का, और 1 साल का रिटर्न ज़्यादा है 44% का दोस्तों, 3 महीने का रिटर्न 6.39% का है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल के अनुसार जिन्होंने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो 31% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, 170 में स्टॉक प्राइस है और डिविडेंड भी लिया होगा दोस्तों। तो ये NTPC के फाइनेंशियल नंबर की बात थी, अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, NTPC का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है दोस्तों। 1 साल के अनुसार अगर बात करें तो स्टॉक में एक तरह से ब्रेकआउट आया है, 167 में है 7 सितंबर 2022 को। और देखिए ये अप्रैल के महीने में ऊपर की तरफ आया था 160-165 के आसपास, उसके बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिली थी, नीचे की तरफ आया था 135-140 के आसपास जून के महीने में। और जुलाई के महीने में ही बात करते हैं तो 7 जुलाई 2022 को 140 में था, उसके बाद देखिए जुलाई अगस्त सितंबर के स्टार्टिंग में ये स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंच गया है, 170 का हाई बना है, तो एक ब्रेकआउट मिला है, एक अच्छी तेज़ी बनी है NTPC में, स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आया है। जिन्होंने लोअर लेवल पर ख़रीद के रखा है 1 साल के अनुसार, समझे कि अगर हम 1 साल के अनुसार देखते हैं तो इसका जो लो था पिछले साल 114-115 के आसपास, तो जिन्होंने 114-115-120 उससे नीचे भी किसी ने खरीदा है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों और समय देना चाहिए। देखिए एक तरह से स्टॉक 170 तक पहुंच गया, बहुत सारे निवेशकों का टारगेट यहां तक हिट हुआ होगा, बट ये कि अभी भी एक प्रॉफिट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए दोस्तों। ऊपर की तरफ बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट है 180-190 तक का दोस्तों, 180-190 तक का है ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट है 180-190 का है,
तो आने वाले दिनों में अगर 170 को ब्रेक करता है, ब्रेक करेगा ये, तो 175 के आसपास अटल होगा, उसके बाद ये 182 और 190 तक जाता हुआ दिखेगा। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं, जब से ये लिस्ट हुआ है तब से देखा, 2004 से 62 में था, तो ऊपर की तरफ ये स्टॉक पहुंचा था 226 230 तक 2008 में दोस्तों। तो समय देने के अनुसार यहाँ तक स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है एनटीपीसी का। बट क्या है कि इसमें जो तेजी बनी है नीचे के लेवल से, तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट बढ़ेगी तो जो कम समय के लिए निवेश करते हैं तो मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। जैसे कि देखिए, ये अभी बताया कि अप्रैल के महीने में 160 से गिर कर 137 तक आ गया था। तो जिनको प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने अनुसार एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ 160 के नीचे स्लिप होगा तो मान के चलिए फिर इसमें गिरावट बढ़ जाएगी, और 155 और उसके बाद 150 के नीचे स्टॉक स्लिप होता है तो मान के चलिए 140 तक आता हुआ दिख सकता है, अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है या मुनाफा वसूली आती है। और समय अगर जिनके पास है तो आने वाले दिनों में 180 से 200 तक एनटीपीसी का स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। और जब स्टॉक में गिरावट हो तो एनटीपीसी के ऊपर नजर भी रखनी चाहिए। तो एनटीपीसी में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो ये 1 साल के चार्ट के अनुसार एनालिसिस है, और स्टॉक में एक तेजी बनी हुई है। आज 52 एक हाई बनाया 170 का, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से लगभग 10 से 15% और तेज होता हुआ दिखाई देगा एनटीपीसी लिमिटेड का स्टॉक। और आने वाले दिनों में नतीजे आएंगे दूसरी तिमाही के, तो हलचल बनी रहेगी एनटीपीसी लिमिटेड में दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट है एनटीपीसी लिमिटेड का, कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी और कुछ स्टॉक प्राइस के अनुसार एनालिसिस था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।